नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव परिणाम और सरकार का पेच फंसने के बाद इस बात पर चर्चा हो रही है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, जनादेश का अर्थ क्या होता है, सरकार किसकी बननी चाहिए, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हों राज्यपाल को उसको बुलाना चाहिए, या अगर दो दल मिलकर के बहुमत साबित करने की स्थिति में हो तो राज्यपाल को उसको बुलाना चाहिए। इस वक्त संविधान क्या कहता है, संविधान की धाराएं क्या कहती है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, ये सारी बातें, इन पर चर्चा होने लगती है और राजनीतिक दल एक दूसरे को कोसने लगते हैं। कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात कहता है, कोई जनता के जनादेश के अपमान का आरोप लगाता है, कोई कहता है कि पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की लोग तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में डेमोक्रेसी का शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है और इसके अर्थ बड़े अलग अलग हैं। अलग अलग समयों में अलग अलग रूप से इसके अर्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। जो पार्टी का दो सीट होने पर भी सरकार बना सकती है, वो पार्टी भी फिर ये कहने लगती है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हो राज्यपाल को उसको बुलाना चाहिए। अलग अलग रूप से लोग अपनी मान्यताएं स्थापित करते हैं। आज मेरे पास मेरे दो प्रमुख मित्रों ने एक वीडियो भेजा है जिसमें डेमोक्रेसी का अर्थ, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है वो बताया गया है। और वो किसने बताया है आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी के युवा तेज तरार नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शैली, उनका वक्तृत्व का अंदाज और भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त उनकी स्थिति आप हम सबके जहन में है। जी हाँ, मैं युवा तेज तर्रार नेता, भारतीय जनता पार्टी के उस दौर के प्रवक्ता स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बात कर रहा हूँ। प्रमोद महाजन का एक वीडियो जो लोकसभा में उन्होंने बड़े सरल और सहज अंदाज में, लेकिन हास्य के अंदाज में भी, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उस अंदाज में कटाक्ष भी था कि जहाँ पर वो चीन के दौरे में गए थे और चीन के किसी नेता ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का अर्थ पूछा था, तब प्रमोद महाजन जी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का अर्थ किस रूप में समझाया था। वो वीडियो वाकई में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का वो रूप बता रहा है जो कि हकीकत में इस देश की राजनीति के उस सफ़र से वो पन्ना निकला है। वो वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुने, क्योंकि हकीकत साथ में है, हकीकत के साथ उसका कड़वा स्वाद भी साथ में है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी साथ में है कि जो दल सबसे बड़ा होता है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, वो दल कभी कभी विपक्ष में हो जाता है और जो दल सबसे छोटा होता है वो कई दलों को साथ में जोड़ करके वो हिंदुस्तान की राजनीति की गवर्नमेंट बन जाता है। प्रमोद महाजन जी ने इसी अंदाज में चीन के उस राजनीतिक शख्सियत को हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का अर्थ समझाया था, और जब वो अर्थ लोकसभा में उन्होंने बताया तो पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। आप उस परिभाषा को सुनिए, उस विवेचन को सुनिए जो कि हकीकत से जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से मेरे अपने दो अभिन्न मित्रों के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने एक बहुत प्रेरक वीडियो भेजा और
ये वीडियो जब जब हिंदुस्तान की राजनीति बहुमत से दूर होती है, बीच के रास्ते में फंसती है, और जब जब ऐसा अवसर आता है कि सरकार किसकी बनेगी, जब जब ऐसा असमंजस, ऐसा कश्मकश आता है, और जब जब गेंद राज्यपाल के पाले में जाती है कि राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय करना पड़ता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय, तब तक ये डेमोक्रेसी का अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मेरी अपील है कि इस वीडियो क्लिप को आप जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बदला है, अब जब चीन में गया, रमाकांत जी भी थे, चिंतामन पानी रहे थे, बहुत यहाँ के मित्र थे, कुछ राज्यसभा के थे। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है, क्योंकि उन लोगों का तो संसद अलग, इलेक्शन अलग। तो रमाकांत जी थे और बड़े नेता हैं, लेकिन पुरानी मित्रता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बताइए भाई कैसी चलती है, चर्चा करो इनसे। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूँ, मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूँ, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। चीनी आदमी मेरे को देखते रहा, यू आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। मैंने कहा वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस, वी आर इन अपोजिशन। अच्छा, फिर हमने चिंतामन पानी ग्रह की ओर हाथ कर दिया। मैंने कहा ये है, वो सामने है, हाँ सिंह सालू श्रीवल्लभ पांडे, माफ करना, वो सिंह का सिंह करते तो थोड़ा हो जाता है। अब उनकी ओर हाथ करके कहा ही बिलोंग्स टू द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज आउटसाइड द गवर्नमेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया। मैंने कहा ही इज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ही इज इनसाइड द फ्रंट बट आउटसाइड द गवर्नमेंट। और फिर मैंने कहा ही इज मिस्टर रमाकांत खलप, ही इज द ओनली मेंबर ऑफ हिज पार्टी एंड ही इज द गवर्नमेंट।